चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? डिपॉजिटरीज एक्ट। हम पूरा पूरा वन शॉट रिवीजन में इसको कवर करेंगे। चलिए, डिपॉजिटरी एक्ट बच्चा समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, कंपनी कंपनी शेयर इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है। अगर ये शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है, दैट मीन्स कि कंपनी ने है ना, ये पूरा काम डिपॉजिटरी को दे रखा है। डिपॉजिटरी एक सिस्टम है जो हमारे कंपनी के फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बच्चा, हमारी कंपनी में दो ही डिपॉजिटरी है, सॉरी, हमारी इंडिया में दो ही कंपनी है जो डिपॉजिटरी का काम कर रही है। एक है एनएसडीएल सीडीएसएल। ये डिपॉजिटरी कंपनी करती क्या है? ये एनएसडीएल सीडीएसएल सारी कंपनी के जो भी शेयर्स है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। इंडिया में अभी दो ही अवेलेबल है। चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे बच्चा। एनएसडीएल सबसे पहले आया 1995 में, और ये इनके प्रमोटर्स है आईडीबीआई, यूटीआई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बच्चा, सीडीएसएल वाली जो कंपनी है ये बाद में आई है, 1999 में आया। इनके प्रमोटर हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह। ठीक है, तो बच्चा ये तो बस इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीजें बता के रखिए। हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है बच्चा, आ जाइए। कंपनी कंपनी अपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है, एक रजिस्टर बोले या फिर रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसे हम बोलते हैं मेंबर का रजिस्टर। जो मेंबर रजिस्टर होता है उसमें वो सारे मेंबर्स के नाम लिखेगा, उसमें वो सारे के सारे मेंबर्स के क्या लिखेगा, नाम लिखेगा। अब बच्चा, क्योंकि कंपनी ने डिपॉजिटरीज, जो कि दो डिपॉजिटरी अवेलेबल है, इनके साथ टाई अप कर लिया, इनके साथ अग्रीमेंट कर लिया कि आप हमारे पूरे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कंपनी ने एनएसडीएल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स दे दिए। दैट मीन्स वो अपने रजिस्टर में एनएसडीएल का नाम लिखेगा या फिर सीडीएसएल का। तो जो एनएसडीएल सीडीएसएल का जो नाम होगा ये रजिस्टर्ड हो गया है, इसीलिए इन्हें हम रजिस्टर्ड ओनर बोलते हैं। डिपॉजिटरी अपना सारा काम जीपी से करवाता है, जैसे कि एग्जाम्पल ज़रोदा, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन इन्वेस्टर से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर होना है, तो मुझे सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। ये डीमैट अकाउंट हमें डिपॉजिटरी के पास ही खुलाना पड़ता है ताकि शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल सके। लेकिन किसके हेल्प से खुलाते हैं? डीपी की हेल्प से। ठीक है, चलिए, अब एक्चुअल में पैसा किसका लगा है? हमारा लगा है, तो हम बेनिफिशियल ओनर कहलाते हैं। ठीक, चलिए, तो इन शॉर्ट दो रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है जो कंपनी करता है। कंपनी बोलता है भैया मैंने तो दिया है एनएसडीएल या सीडीएसएल को, तो मेरे इसमें किसका नाम रजिस्टर का रजिस्टर में मेरा नाम का किस मेरे रजिस्टर में किसका नाम होगा? एनएसडीएल सीडीएसएल का। इसलिए ये लोग रजिस्टर्ड ओनर होते हैं। अब डिपॉजिटरी बोलता है मैं भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ डीपी। मैं जो रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा उसमें मैं इन्वेस्टर्स का नाम लिखूंगा, तो वो सारे इन्वेस्टर कहलाते हैं बेनिफिशियल ओनर। ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, तो इंडिया में दो ही है, ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं बच्चा। हम इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ने वाले हैं, डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ने वाले और सेबी के रेगुलेशंस। चलिए, यहाँ पे पूरा का पूरा डिपॉजिटरी सिस्टम बताए। डिपॉजिट सिस्टम इज जस्ट लाइक अ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब बैंकिंग सिस्टम कैसे, आ जाइए समझते हैं। बैंक अपने पास जो भी पैसे है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, तो भैया डिपॉजिटर भी तो सारे के सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। बैंक बोलता है भैया ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको मनी कैश हाथ में रखने की जरूरत नहीं। सेम बोल रहा है डिपॉजिटरी, आप सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको भी फिजिकल फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये संभाल के रखता है पैसे को और ये संभाल के रखता है शेयर्स को। तो डिपॉजिट सिस्टम जस्ट लाइक अ बैंकिंग सिस्टम, ये पूरा का पूरा उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा के रखा है। क्लियर है? चलिए, अब डिपॉजिटरी क्या क्या काम करता है? अकाउंट ओपन करने का काम करता है। अकाउंट कौन सा? डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, सेटलमेंट, आईपीओ, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, क्रिएशन ऑफ इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस बोले तो बच्चा प्लेच क्रिएट करना। प्लेच क्रिएट करना मतलब कुछ नहीं बच्चा, मॉर्गेज गिरवी में रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को क्या गिरवी में रखा जा सकता है? हाँ, डिपॉजिटरी ये फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी भी देता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं बच्चा, डिपॉजिटरी कस्टोडियन, इसमें डिफरेंस समझते हैं। डिपॉजिटरी तो आपको समझ में आ गया, डिपॉजिटरी है ना एक सिस्टम है जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कस्टोडियन बोलता है मैं नहीं कन्वर्ट करता हूँ, मैं बस होल्ड करके रखता हूँ, मैं कस्टडी में रखता हूँ। ये फिजिकल शेयर्स अपनी कस्टडी में रखता है। डिपॉजिटरी बोलता है मैं तो कस्टडी में रखता हूँ और कन्वर्ट भी करता हूँ, अपने पास फिजिकल कस्टडी में रखा और उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों में डिफरेंस ये है, ये शेयर्स डिबेंचर म्यूचुअल फंड इनसे डील करता है। ये बोलता है स्टॉक बॉन्ड्स, क्योंकि ये कस्टडी में रखता है तो भैया गोल्ड को भी कस्टडी में रख सकता है। ये एक तरीके से लीगल ओनर होता है,
ठीक है, और ये कस्टोडियन का काम भी करता है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि डिपॉजिटरी का नाम ना कंपनी के रजिस्टर में एज अ रजिस्टर्ड ओनर लिखा होता है। तो भैया इसमें ऐसा थोड़ी ना, कोई लीगल ओनर थोड़ी ना होता है, ठीक है। एवरी डिपॉजिटरी क्योंकि फिजिकल शेयर्स अपने पास रखता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, कस्टोडियन वाली सर्विस भी देता है। लेकिन क्या सारे कस्टोडियन भी डिपॉजिटरी होते हैं? नहीं, ठीक है। कस्टडी वन ऑफ द डिपॉजिटरी का ये काम है, ये इनका है ना कस्टडी, इसका सोल काम है, मेन काम है। ये सारे बैंक्स होते हैं एक तरीके कस्टोडियन, और ये NSDL CDSL दो ही है। क्लैरिटी बचा यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, डिपॉजिटरी सिस्टम के फायदे। कुछ नहीं बच्चा, सारे काम इलेक्ट्रॉनिक पे होंगे तो बहुत सारे फायदे, बैड डिलीवर से बच रहे हो, इतने सारे रिस्क थे उन सबसे बच रहे हो, ट्रांसफर फटाफट हो जाएगा बच्चा, डिसबर्समेंट कुछ भी आप नॉन कैश जैसे राइट बोनस ये सब भी जल्दी जल्दी दे पाओगे, है ना। ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा देना पड़ता था क्योंकि उनका काम ज़्यादा होता था फिजिकल में, काम कम हो गया तो ब्रोकरेज भी कम होगा, पेपर हैंडलिंग खत्म, प्रॉब्लम बहुत सारी कि इन्वेस्टर का एड्रेस बदल गया, अब कहाँ दे, सब ऑनलाइन हो रहा है बच्चा, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि माइनर को क्या होता था कि वो माइनर अगर कोई शेयर होल्डर है तो उसका लीगल गार्जियन के कोर्ट के चक्कर काटो, ये सारी फॉर्मेलिटी से बच गए, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए, तो पूरा अगर समरी बोलूँ तो डिपॉजिटरी सिस्टम में कंपनी अपने शेयर्स को क्या करवाती है बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इसके लिए वो अग्रीमेंट करती है। दो ही डिपॉजिटरी इंडिया में, NSDL CDSL, इनसे करोगे अग्रीमेंट तो ई मोड में आ जाएंगे। डिपॉजिटरी सिंगल काम नहीं करता है, डीपी की हेल्प से करते हैं, जस्ट लाइक अ एजेंट, ये प्रिंसिपल हो गए, डीपी इनके एजेंट हो गए। जैसे ही आप करोगे तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टर कुछ नहीं, डीमैट अकाउंट खुलाता है और इंस्ट्रक्शन देता है डीपी को, डीपी वैसे काम करता है। चलिए बच्चा, यहाँ पे आपको डिपॉजिटरी के दो मॉडल्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है समझना। डिपॉजिटरी के दो मॉडल है कि एक है डीमटेरियलाइजेशन, एक है इमोबिलाइजेशन, समझेंगे। डीमटेरियलाइजेशन तो समझ चुके हैं, फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट वॉलेट में संभाल के रखे बच्चा, समझना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है, शेयर है, इस शेयर को हमने क्या कर रखा है, वॉलेट में संभाल के रखा है। अब ये वॉलेट में संभाल के रखा है, कल को अगर इसे कोई ओनर मांगता है तो हम ठीक निकाल के उसको दे देंगे, ये होता है इमोबिलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन क्या है, ये शेयर कंपनी के पास है, कंपनी ने कहा है क्योंकि अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर आ गए तो ये फिजिकल शेयर, इसको हमने फाड़ के फेर के खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मुझे फिजिकल चाहिए, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक में किया तो फिजिकल को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कल को आप दोबारा से आकर कहोगे नहीं नहीं मुझे फिजिकल चाहिए, तो आपको दूसरा प्रिंट, दूसरा सर्टिफिकेट प्रिंट कराकर दिया जाएगा। इमोबिलाइजेशन बोलते हैं, दूसरा प्रिंट कराकर नहीं दिया जाएगा, सेम चीज जो डॉक्यूमेंट रखा था उसे रखा जाएगा। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया जाता है और खत्म हो जाता है, लेकिन कल को अगर आप मांगते हो डीमटेरियलाइजेशन में कि नहीं फिजिकल चाहिए तो फ्रेश सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन इमोबिलाइजेशन में ओरिजिनल ही मिलेगा जो संभाल के रखा गया। ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट कम लगी, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा और ये पॉपुलर भी नहीं है, ठीक है। चलिए, सब लोग एक दूसरे से लिंक है, इशू बोले तो यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही है, ईश्वर मतलब कंपनी डिपॉजिटरी, डीपी, इन्वेस्टर, सब लोग एक दूसरे से लिंक है, तब जाके ये काम होता है, ठीक है। चलिए, डीपी हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट एक एजेंट है बच्चा, ठीक है। एजेंट की तरह, ब्रोकर की तरह ये काम करता है, और ये पूरे इसके काम है अकाउंट ओपन करना, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, ये सारे काम ये डिपॉजिटरी कर रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से हो रहा है बच्चा, ध्यान देना, डीपी ही काम करवा रहा है डिपॉजिटरी में सब, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। चलिए, तो डीपी कौन बन सकता है, ये सब लिस्ट है, बैंक बन सकता है, NBFC, क्लियरिंग हाउस बन सकता है, ठीक है। ईश्वर क्या करता है, ईश्वर शेयर को इशू करता है और डिपॉजिट के साथ अग्रीमेंट कर लेता है ताकि वो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा सके। तो ईश्वर का क्या काम है, ईश्वर यही सारे काम करवाता है बच्चा, आपको ऑनलाइन फैसिलिटी देता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है डीमटेरियलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले तो मीनिंग समझिए, डीमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कन्वर्ट किए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दैट्स इट, इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट में। चलिए इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या करेगा, एक फॉर्म भरेगा DRF बोले तो डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। बच्चा अब मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास फिजिकल शेयर है, फिजिकल शेयर प्लस एप्लीकेशन मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दूंगी, फिजिकली दूंगी मतलब पोस्ट हो जाएगा। डिपॉजिटरी को बताएगा और डिपॉजिटरी ये बात कंपनी को बता देगा, ठीक है। कंपनी बोलेगा ठीक है फिजिकल शेयर्स मुझको दे दो, मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, तो कंपनी कहेगी कैंसिल सर्टिफिकेट करेंगे और अप्रूवल दे देंगे, लेकिन पहले पहुंचे तो डीपी जो फिजिकल सर्टिफिकेट जो उसे इन्वेस्टर से मिला है ये कंपनी को दे देगा और कंपनी बोल देगा
किसको? डिपॉजिटरी को, ठीक है। मैंने फिजिकल सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया है, डिपॉजिटरी अब आप इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दो। जैसे कि मैंने बताया डिपॉजिटरी सारे काम करता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बोलेगा सुनो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दो इलेक्ट्रॉनिकली, दैट्स इट। जैसा डीमटेरियलाइजेशन है ऐसे रीमटेरियलाइजेशन है। इन्वेस्टर के पास अब शेयर्स क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रीमटेरियलाइजेशन क्या? रीमटेरियलाइजेशन मतलब कि अब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पहले आप डीपी को बताओगे, डीपी डिपॉजिटर को बताएगा, डिपॉजिटरी कंपनी को बताएगा, ठीक है। कंपनी कहेगा मुझे शेयर सर्टिफिकेट देने हैं, तो कहेगा ठीक है मैं प्रिंट कर रहा हूँ, आप अपने में से इलेक्ट्रॉनिकली हटा दीजिए, और प्रिंट करके डायरेक्ट इसको दे देगा, इन्वेस्टर को दे देगा। इन्वेस्टर को जैसे ही देगा तो डिपॉजिटरी बोलेगा कि डीपी को, डीपी कि भैया डीमैट अकाउंट से अब डेबिट कर मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को अब हटा दे। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा ये लिखा ही एक प्रोसेस है, ठीक है। चलिए ये जनरल बातें लिखी है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स आपके इसमें आते हैं तो बच्चा कुछ नहीं क्रेडिट होता है, ट्रेडिंग पूरा सिस्टम होता है। अब दो टाइप के कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, एक होता है बच्चा कैश बेनिफिट, एक होता है नॉन कैश बेनिफिट। कैश बेनिफिट बोले तो डिविडेंड। अब ये डिविडेंड कहाँ जाएगा? इन्वेस्टर के डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। नॉन कैश बेनिफिट डीमैट अकाउंट में। अब नॉन कैश बेनिफिट होते क्या क्या है? बोनस हो गया, राइट इशू, ऑब्वियसली बच्चे इक्विटी शेयर्स हो तो ये आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बच्चा अभी तक तो आपने इस चैप्टर का बैकग्राउंड पढ़ा, अब हम डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ रहे हैं। डिपॉजिटरी एक्ट क्यों आया? ओनरशिप के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आया। इन्वेस्टर को ऑप्शन देना है कि भैया फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी है और आपके पास एक और मोड है, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए आया ताकि वो फंजिबिलिटी अप्लाई कर सके। व्हाट डू यू फंजिबल? रिप्लेस। रिप्लेस बोले तो फॉर एग्जांपल बैंक में बच्चा आपने समझ लो पैसे जमा करे, आपने बैंक में 10,000 पैसे जमा करे। बच्चा जब आप बैंक में 10,000 पैसे जमा करते हो तो उसका एक सीरियल नंबर होता है, उसको एक कोडिंग होती है, ठीक है, यूनिक नंबर होता है। वो यूनिक नंबर दूसरे थे, आपने एटीएम से पैसे निकाले 10,000, तो क्या बच्चा सेम नोट मिलते जो जमा किए थे? नहीं, दूसरे मिलते। मतलब 10,000 तो आपको मिलेंगे लेकिन दूसरे सीरियल नंबर वाले मिलेंगे। तो फंजिबिलिटी मतलब क्या होता है? रिप्लेस। सेम इसे हम यहाँ पे डिमेटरलाइजेशन में अप्लाई करेंगे। मैंने एक सर्टिफिकेट, मेरे पास फिजिकल सर्टिफिकेट था, ये मैंने कंपनी को बोला लो सर्टिफिकेट मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके दो। कंपनी ने उस सर्टिफिकेट को खत्म किया और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मुझे कन्वर्ट कर दिया। कल को मैं एक महीने बाद जाती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे वापस से फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दो, लेकिन वो सर्टिफिकेट तो वो खत्म कर चुके थे तो मुझे नए देंगे, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्शन नंबर वाले देंगे। तो जैसे बैंक में नोटों के साथ होता है वो मुझे दूसरे नोट देंगे, ऐसे यहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन में जब आप शेयर्स मांगते हो तो शेयर भी दूसरे मिलेंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज फंजिबल होती है, ये चीज हमारे डिपॉजिटरी नहीं करवाए। शेयर्स यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफर हो और स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती क्योंकि फिजिकली नहीं हो रहे। इन्होंने कहा कोई भी डिपॉजिटरी अगर बिजनेस करना चाहता है डिपॉजिटरी, तो पहले सेबी से जाकर क्या लेना पड़ेगा बच्चा? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सेबी सारी चीज़ें देखेगा कि एडुकेट सिस्टम में सेफगार्ड कर पा रहे हैं तो वो हाँ बोलेगा, अगर वो ना बोलना चाहते हो तो एक बार अपॉर्चुनिटी बिंग हट दी जाएगी। क्लियर है? चलिए कोई भी डिपॉजिटरी सर्विस देना चाहता है तो प्लीज़ उसकी एक एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले भैया नेटवर्थ उनका 100 करोड़ होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, बायलॉज सेबी से एक बार अप्रूव कराओ, अपने अंडर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को रखो, और प्रॉपर सेफगार्ड सिस्टम्स होने चाहिए ताकि मैनिपुलेशन रिकॉर्ड्स वगैरह ये सबको रोक सके और रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करें। क्लियर है? चले अब यहाँ पे उन्होंने बोला डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बीच में भी अग्रीमेंट होगा। बच्चा कोई भी अग्रीमेंट करके ये सारे काम कर सकता है। मेंबर चाहे तो, सॉरी इन्वेस्टर चाहे तो अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर भी करने का काम कर सकता है और ट्रांसफर करने का भी। तो ये सारी जनरल बातें दे रखी है, ठीक है। चलिए दो ऑप्शन अवेलेबल है किसके पास? हमारे इन्वेस्टर के पास, फिजिकल शेयर्स भी रख सकता है और इलेक्ट्रॉनिकल भी। तो ये बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी है। इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 29 कुछ बोलता है, क्या बोलता है कि भैया सारी कंपनीज को अपने, अगर वो पब्लिक ऑफर लेके आ रही है तो प्लीज़ ओनली डीमैट फॉर्म में। लेकिन 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 उन्होंने कहा सुनो एक कंडीशन है जो हम बोलना चाहते हैं, सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि कुछ शेयर्स अगर फिजिकल फॉर्म में, अगर कोई भी बंदा ट्रांसफर करना चाहता है शेयर्स को, दैट मींस बेचना चाहता है शेयर्स को, अगर आप बेचना चाहते हो तो बेचने के लिए वन ओनली आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट वॉज डीमैट फॉर्म। मेरे पास फिजिकल शेयर्स है, मैं इसे फिजिकली नहीं बेच सकती, पहले मुझे कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है? इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट हो गए तो ही बेच पाएंगे, अदरवाइज बेचना अलाउड नहीं है। चलिए ये बात यहां पे रिपीट है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। साफ साफ क्या लिखा है कि भैया लिस्टेड कंपनी को डिसअलाउ कर दिया कि आप फिजिकल शेयर्स को बेच नहीं सकते, अगर आपको फिजिकल शेयर्स को बेचना है तो पहले आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रमोटर को भी बोल दिया भैया तुम्हारे तो 100% शेयर्स क्या होने चाहिए, 100% शेयर्स क्या होने चाहिए बच्चा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। चलिए फंजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, नए शेयर्स मिलते हैं, सेम शेयर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है।
हमेशा राइट किसका होता है, वोटिंग का, बेनिफिशियल ओनर का. डिविडेंड किसको मिलेगा, बेनिफिशियल ओनर को. लाइबिलिटी किसकी होगी, डिपॉजिटर को कोई राइट नहीं होते. बेनिफिशियल ओनर चाहे तो इन इलेक्ट्रॉनिक शेयर पे भी प्लेज क्रिएट कर सकता है, बस प्लीज इन्फॉर्म करे बेनिफिशियल ओनर, एक बार अप्रूवल ले ले, ठीक है. वो भी अपना रिकॉर्ड, डिपॉजिट पर रिकॉर्ड मेंटेन कर दे कि भैया ये अब गिरवी हो चुके हैं, ताकि आगे बिजनेस ना हो सके, ठीक है. ऑप्शन, ऑप्शन वाला रिपीट है बच्चा. शेयरहोल्डर के पास फिजिकल शेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, दो मोड है, दोनों में से किस में भी रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. मान लो डिपॉजिटरी से अगर कुछ भी गलतियां होंगी जिस कारण से इन्वेस्टर का लॉस हो गया, तो डिपॉजिटरी हमेशा इंडेमनीफाई करेगा, मतलब कंपनसेट करेगा, लॉस का भरपाई करेगा. तो डिपॉजिटरी से कुछ गलती होगी, नेग्लिजेंसी होगी, तो इन्वेस्टर को पे करेगा. डिपॉजिटरी से नहीं हुई, डीपी से भी, तो भैया वो तो एजेंट है, तो डिपॉजिटरी उसके लिए भी लाइबल हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है. यहाँ पे अब इस चैप्टर में हम तीन पावर्स पढ़ने वाले हैं, सेबी की पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर और डिपॉजिटरी की. चलिए, सेबी की क्या पावर है. सेबी इंक्वायरी करेगा तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांग लेगा, मांग ली तो देना पड़ेगा बच्चा. सेबी जो जो डायरेक्शन देगा, किसको देगा बच्चा, कंपनी को भी देगा, डिपॉजिट डिपॉजिट एनी पर्सन जो सोसाइट है, जो जो डायरेक्शन देगा मानना पड़ेगा. सेबी चाहे तो रेगुलेशन, सेबी जो जो अभी तो हम पढ़ने वाले एनएसडीएल सीडीएसएल के लिए जो भी रेगुलेशन बनाए हैं, ठीक है, तो सेबी की वो सारी बात माननी पड़ेगी. सेबी की पावर पढ़ रहे. चलिए, अब बच्चा यहाँ पे पेनल्टीज दे दी. सेबी की बातें नहीं मानोगे तो सारी ये पेनल्टीज एक बार रीड कर लेना, ठीक है. एडजुडिकेट, सेबी केसेस की तरह डील करेगा, खुद नहीं करेगा तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर लेगा, फिर मैटर साइट वाइट में भी जाएगा, तो ये सारी बातें रिपीट है, ठीक है. चलिए आ जाइए, सेबी की पावर पढ़ने के बाद सीजी की पावर. बच्चा सीजी तो वैसे ही सुप्रीम है, उन्होंने कहा इंक्वायरी करना, टाइम, अपील, सेट के पास कब जाना, ये सारी चीजें सीजी डिसाइड करेगा, ठीक है. अब किसकी पावर, डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल एक कंपनी है, वो अपने खुद के बायलॉज बना रहा है. अपने बायलॉज बनाते वक्त ये सारी पावर है कि भाई अपने बायलॉज बनाएगा, जैसे कि कौन एलिजिबल है, किस कौन डिपॉजिटरी, कौन पार्टिसिपेंट बनेगा, ये सारी कंडीशंस, तो इसको एक बार वन रीड करने का, ठीक है. चलिए, यहाँ पे हमारा पूरा डिपॉजिटरी एक्ट खत्म होता है. अब हम पढ़ेंगे कि सेबी के भी कुछ रेगुलेशन है. अभी हमने पावर पढ़ी, सेबी डिपॉजिटर को बोलेगा ये रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा. चलिए, सेबी तो साफ बोलता है कि भैया पहले तो रजिस्ट्रेशन कराओ डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, कस्टोडियन को. सेबी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना, अदरवाइज काम नहीं होगा, ठीक. चलिए, अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चा, हम तीन टाइप के ऑडिट पढ़ेंगे. पहला ऑडिट होता है रिकंसिलेशन ऑडिट, ये करता है सीए सीएस करते हैं, सब प्रैक्टिसिंग की बात हो रही है. किसका करते हैं बच्चा, कंपनी का. कोई भी कंपनी जो भी अपने शेयर्स डिमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, उसे अपना रिकंसिलेशन ऑडिट करवाना पड़ेगा बाय प्रैक्टिसिंग सीए सीएस. दूसरा होता है इंटरनल ऑडिट, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का होता है, सीए सीएस सीएमए प्रैक्टिसिंग वाले ये करते हैं. देन होता है कॉन्करेंट ऑडिट, ये ऑडिट भी सी ए सी एस प्रैक्टिसिंग करते हैं और डीपी का करते हैं. बच्चा ये तो समझ में आ गया, ये कंपनी का होता है, ये डीपी डीपी के दो दो क्या होते हैं, अजय समझे. रिकंसिलेशन ऑडिट की अगर मैं बात करूँ, रिकंसिलेशन ऑडिट की बात करूँ, तो सी ए सी एस करते हैं, समझ में आ गया. कंपनी में चेक किया जाता है कि भैया आपने कितने शेयर इशूड किए, कितने आपके लिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी पास कितने होल्ड है, चेंज तो नहीं हुआ है तो बताओ, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं आपका. अगर किसी भी इन्वेस्टर ने बोला था, रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो सीएसीएस का काम है ये चेक करना 21 डेज में उनकी रिक्वेस्ट पूरी हुई कि नहीं हुई है. डिले अगर हो गया 21 में नहीं हुआ तो क्यों हुआ है, तो एक्चुअल में रिकंसिलेशन ऑडिट होता है इश्यूअर कंपनी का, जिसने डिपॉजिटर के साथ अग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है. तो चेक किया जाता है सब बढ़िया है कि नहीं. दूसरा होता है इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट बच्चा समझना, डीपी का हो रहा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का. एनएसजीएल सीडीएसएल ने साफ साफ बोल दिया, जो हमारे अंडर रजिस्टर्ड डीपी है उन्हें इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा. कौन करता है, सीए सीए सीएमए प्रैक्टिसिंग वाला, ठीक है. अब चेकलिस्ट दे रखी है, क्या क्या चेक किया जाएगा. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का देखा जाएगा उसने अकाउंट ओपन करवाया कि नहीं कराया. बेनिफिशियल ओनर को सारी रिपोर्टिंग दे रहा है, डीमटेरियलाइजेशन, ये सारे काम है, ये सारे कामों को चेक किया जाता है, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट है कॉन्करेंट ऑडिट. ध्यान रखना ये कॉन्करेंट ऑडिट बस एनएसडीएल बोलता है. कौन बोलता है, एनएसडीएल. अगर मैं इंटरनल ऑडिट की बात करूँ तो इंटरनल ऑडिट डीपी रजिस्टर्ड है, जो एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों जगह रजिस्टर्ड है तो उसे करवाना है. लेकिन एनएसडीएल बोलता है कि भैया मेरे पास साफ साफ बोल दिया कॉन्करेंट ऑडिट उन्हीं डीपी को करवाना है जो बस रजिस्टर्ड कहाँ पे बच्चा, एनएसडीएल के पास, ठीक है. कौन करेगा, प्रैक्टिसिंग सीए प्रैक्टिसिंग सीएस. क्या चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट, केवाईसी देखेगा सारी चीजें सही से है कि नहीं. इन्होंने कहा है जो बंदा इंटरनल ऑडिट करने आया, आप चाहो तो उसी इंटरनल ऑडिटर से ही सेम कॉन्करेंट ऑडिट भी करा सकते हो, ऑप्शन है, ठीक है. क्या क्या देखेगा,
ये सारी चीजें, डीमैट अकाउंट सही से है कि नहीं, कंट्रोल और डीआईएस है कि नहीं। बच्चों व्हाट डू मीन बाय डीआईएस, थोड़ा सा डीआईएस समझते हैं। डीआईएस का फुल फॉर्म है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, इट इज जस्ट लाइक अ चेक, ये चेक की तरह होता है। देखो अगर डीआईएस इशू करना है, मतलब चेक की तरह, चेक की तरह बुकलेट लूज स्लिप में मिलेगी। बच्चा चेक में जैसे पहले से प्री स्टैम्प होता है, आपने देखा अकाउंट नंबर वगैरह प्रिंट होता है, तो उसमें बोलते हैं क्लाइंट का आईडी वगैरह सब प्रिंट होगा, ठीक है। इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। डीआईएस को चेक करा जाता है भाई सीए सीएमए। बच्चा फॉर एग्जांपल जैसे चेक में क्या होता है, मैंने लिखा कि भैया ये मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट से 1 लाख पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। सेम जो इन्वेस्टर होता है वो डीआईएस की जो स्लिप होती है इससे इंस्ट्रक्शन देता है डीपी को कि भैया मुझे, मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो मैं इस कंपनी के शेयर्स बेचना चाहता हूँ, इस कंपनी के खरीदना चाहता हूँ, तो ये पूरा दे रखा है, तो वेरीफाई करता है सीएस। तो इन शॉर्ट ये तीन टाइप के होते हैं ऑडिट, ये तीनों ऑडिट करवाने हैं। फाइनली बच्चा एक सीएस के रोल की बात करो तो सीएस सैट में लीगली रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल ऑडिट का काम कर सकता है, ठीक है, एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों में रिकंसिलेशन ऑडिट करता है कंपनी का, और कॉन्करेंट ऑडिट करता है बच्चा बस एनएसडीएल में। क्लियर है, यहाँ पे चैप्टर होता है पूरे से ओवर।